पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी बोले, अब एक नहीं दो जनसेवक मिलकर विजयपुर विधानसभा सहित जिले का विकास। शहरी विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष बनाए जाने के बाद सीताराम आदिवासी अब अपने आप को काफी प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और उपचुनाव में बीजेपी पार्टी के भरकस जीत का दावा भी कर रहे हैं। और सुनिए राजमंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी क्या बोले। श्योपुर से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीताराम जी, आपको उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया है सरकार ने, कैसा महसूस कर रहे हैं आप और किन की इसमें अहम भूमिका है आपको इस पद को दिलाने में? मैं पहली बार तो मैं भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद देता हूँ, हमारी पार्टी है और मैन भूमिका इसमें हमारे मोहन सिंह यादव मंत्री, इनकी भी भूमिका रही है मेरे राजमंत्री बनावा में। वी के अलावा तोमर साहब की भी रहेगी, हमारी नरेंद्र सिंह तोमर की जो आज विधानसभा में अध्यक्ष है, इनकी भी भूमिका रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, इनकी भी हमारी भूमिका रही है, बीटी शर्मा की, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे संगठन मंत्री, इनकी भी भूमिका रही है हमारे राजमंत्री बनावा के, और मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं राजमंत्री का दर्जा दिया पार्टी ने, क्योंकि पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। हमें तीन तीन बरिया टिकट दिया है उनने, दो बरिया हार गया, विधायक भी बनाया हुए हैं, जबकि आदिवासी में कोई विधायक नहीं बना आज दिन तक। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो पीछे और में बैठता है उसको आगे लाती है भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह प्रसन्न है पार्टी से, अभी कुछ समय पहले आपकी थोड़ी नाराजगी भी देखी जाती थी। उपचुनाव को लेकर क्या कहना है, क्या कहाँ अपना आदिवासी जो वोट बैंक है किधर जाएगा वो इस चुनाव में? उपचुनाव की बात रही तो कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, कोई नाराजी नहीं है पार्टी से। मैं तो पहल भी खिसो, कोई पद भी नहीं देता जब भी नाराज नहीं हूँ मैं तो। ये तो लोग बाग है, चलता रहता है, बढ़ाते रहते हैं उल्टा सीधा। और जो हमारे वोट है आदिवासी का, वे कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ है। मुझे तीन बरिया टिकट मिलो, तीन बरिया मुझे वोट दिया आदिवासी समाज ने, और सब नहीं दिया, सब पूरी जाति ने। ये वोट कहीं भी नहीं जाएगा आदिवासी का, ये मेरे साथ ही रहेगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। क्यों? कि कांग्रेस में कोई रियो ही नहीं, बचो ही नहीं, भाई एक सीट जिता के भी क्या करेगा, और कांग्रेस में कोई नेता ही नहीं रहा, पार्टी खत्म होती जा रही है। वो तो दिन पे दिन हमारी पार्टी जीती है, जीतेगी। और बी के अलावा ये है कि हमने विकास किया है हमारी पार्टी ने, देखो चैटी खीरा डैम मंजूर हो गया, वो तो मोदी डैम हो गया, मेडिकल कॉलेज वो भी बन गई, रेल भी मंजूर हो गई, छोटी रेल चल रही है, बड़ी रेल है, कल भी उद्घाटन किया तोमर साहब ने और हमारे महाराज ने भी किया, सभी पार्टी के आए, विकास पे विकास हो रहा है। देखो लाडली बहना अलग, कुटेर अलग मिल रही है हमारे, कभी भी हमारे छत नहीं किटा, पक्का मकान है सभी आदिवासी का। और संबल योजना में 2 लाख रुपया मिलते हैं, और लाडली बहलान का और किसान निधि में भी पैसा डाल रहे हैं। लगाया जा रहा है कि कांग्रेस आप ही की समाज से क्या होगा, मतलब एक आदिवासी चेहरा जब चुनाव लड़ेगा तो क्या आपका समाज उसके साथ नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, आदिवासी भले टिकट दे दिया कांग्रेस, बाकी वोट नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी समाज भी बहुत समझवा लग गई, जनता भी समझेगी कि हम फालतू वोट क्यों दे रहे हैं, जब सरकार तो बीजेपी की है, कांग्रेस की थोड़ी है सरकार। देखो ऊपर भी सरकार, कैबिनेट में भी मीटिंग, वो सरकार है और नई भी सरकार है भोपाल में भी, ऐसे कोई नहीं देगा। ये झूठा इल्जाम लगा रहे लोग कांग्रेस वाले के बटन दबागा प्रशासक, ये सब गलत है। ये तो ऐसे ही जब भी चुनाव होता है ऐसे ही राहुल गांधी कहता है कि हमारी मशीन खराब है इनकी, फलाना ढीका, ये तो ऐसे ही आरोप लगाते रहते हैं। इस बार कांग्रेस ज़्यादा अटैक में नज़र आ रही है क्योंकि सीएम साहब को यहाँ चार चार पांच पांच बार आना पड़ रहा है, कि इतना उपचुनाव इतना कठिन है कि इस बार? देखो हमारा सीएम भी कार्यकर्ता है, ऐसी बात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं, चाहे कितना ही बड़ा पद हो, बाकी ऐसी कोई वो नहीं है। बार बार क्यों आ रहे हैं, देखो हमारा क्षेत्र में विकास कर रहे हैं वे, इसलिए आ रहे हैं वे बार बार। तो क्या सीताराम जी इस बार आप तैयार हैं जो वन मंत्री रामनिवास रावत हैं उन्हें चुनाव जितवाने के लिए? तैयार हूँ मैं तो, पहले से भी तैयार हूँ, पद भी नहीं देता जब भी तैयार है, मैं तो पार्टी का काम कर रहा हूँ मैं तो, और बिल्कुल दमदारी से जिताऊंगा। रामनिवास रावत है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वन मंत्री है
और हमारी पार्टी है जताऊंगा भाई, हमें कोई वो थोड़ी है, और मुझे कोई नाराजी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले भी खुश हूँ और अब भी खुश हूँ, पद नहीं देता जब भी मैं तो साथ देता पार्टी का, ऐसी कोई बोली मुझे ज़्यादा लालचा नहीं है, मैं लालची नहीं हूँ, मैं ईमानदार भक्ति हूँ। कम से कम 3 बरिया मुझे टिकट दिया तो कोई दाग नहीं लगा सकते आज तक। मैंने 3.5 साल में बहुत विकास किया, मैं विधायक रहा, तोमर साहब की और हमारी सरकार की मेहरबानी रही, और हम तो अब दो हो गए भाई, कि मैं भी राजमंत्री और वे भी मंत्री है, बहुत अच्छा विकास कराऊंगा पूरा विजयपुर क्षेत्र में और शिवपुर जिला में ही कराऊंगा, कुल मिला के पूरे क्षेत्र में विकास होगा जी, मैं विजयपुर है तो चमका देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आएगी।